लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जहां पर कप्तान के लॉन्ग मार्च की कॉल पर अकलीती नुमाइंदों ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली, जिसमें लाहौर से आसिफ भट्टी सीनियर नायब सदर सेंट्रल पंजाब की क्यादत में मरकजी ऑफिस सेंट्रल पंजाब जेल रोड, आसिफ सुहेल गोखर जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब, चौधरी इशफाक साबका एडिशनल सेक्रेटरी लाहौर, गोका नंबरदार सीनियर रहनमा लाहौर अमजद बलोच और शहजाद गिल साबका जनरल सेक्रेटरी इकबाल टाउन की जानिब से हकूमत के मेंबर पंजाब असेंबली और मरकजी जनरल सेक्रेटरी की हदायत पर लॉन्ग मार्च की तैयारियों और सेंट्रल पंजाब के तमाम जिलों के तंजीम साजी के इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें नारोवाल सियालकोट शेखपुरा डस्का और कसूर समेत दीगर इजला के अकलीती नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की। इजलास में मेहमान खसूसी हबकूब गिल ने खसूसी तौर पर खिताब फरमाया और तमाम शिरका को लॉन्ग मार्च की भरपूर तैयारियां करने का टास्क भी सौंपा। इजलास में कसूर से अशरफ माइकल, शेखपुरा से आकाश गिल और सियालकोट से तारिक ने इजलास में अपने नुमाइंदों और वर्करों के साथ भरपूर शिरकत की और हबकूब गिल पीएमए की क्यादत में इमरान खान की लॉन्ग मार्च की कॉल को लबैक कहा।